प्रभु के रूप में आए हैं और वही हमारे श्री राधा रमण जब नाम रस का स्वादन करना चाहे हैं तब वे स्वयं श्री हरिदास ठाकुर के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। आज ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जिनके जीवन में नाम निष्ठ होना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन में नाम को स्थापित करना ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य माना है, उनके जीवन को दर्शन आज हम सभी इस मंच के माध्यम से करेंगे। और ये करना हमारी पात्रता नहीं, हमारी कोई इसमें कोई उद्यम हम कर ही नहीं सकते थे, ये केवल श्री गिरिराज महाराज, श्री राधा रमण देव जू, परात्पर गुरुदेव जी महाराज, गुरुदेव महाराज, मैया जी और आप सभी वैष्णव जनों के उत्साह का ही फल है। तो आइए एक क्षण भी हम विलंब नहीं करते और इस अद्भुत अलौकिक जीवनी को बहुत करीब से देखने का प्रयास करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा तथा द्वापर में अर्चन के द्वारा लोग भगवान की आराधना करते थे। कलयुग में जीव अल्प आयु, आचरणशील ब्राह्मणों के अभाव तथा मन की चंचलता के कारण क्रमशः ध्यान, यज्ञ तथा अर्चन के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। कलयुग के जीवों की ऐसी दयनीय दशा की चिंता करके भगवान का हृदय द्रवित हो गया। उन पर दया करने के लिए भगवान स्वयं ही अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम के रूप में इस जगत में अवतरित हो गए। इसी हरि नाम के प्रति अनन्य निष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप नामाचारी श्री हरिदास ठाकुर के रूप में वे अवतरित हुए। श्री कवि कर्णपूर विरचित श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद जी के साथ मिलकर श्री हरिदास ठाकुर हुए। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित के अनुसार एक दिन मुनि कुमार ने प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवत सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिया था। उसी कारण से उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दिया, परंतु ये श्राप जगत के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ, जिससे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह आदर्श प्रतिपादित हुआ। श्री हरिदास ठाकुर 1441 ईस्वी में वर्तमान बांग्लादेश के खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में आविर्भूत हुए। वे आयु में श्रीमन महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे और लगभग 50 वर्ष की आयु में श्री महाप्रभु जी के संगी बने। यद्यपि श्री ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि बाल्यकाल से ही उनकी स्वाभाविक रूप से हरिनाम में अटूट निष्ठा थी। माता पिता के परलोक से धारने के पश्चात वे गृह त्याग कर बेनापोल के जंगल में एक निर्जन स्थान में कुटी बनाकर भजन करने लगे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन
अपतित रूप से 300,000 हरिनाम जप करते तथा प्रतिदिन श्री तुलसी जी की सेवा करते थे। श्री हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा से उस काल के मुगल शासक, धर्म विद्वेषी, म्लेच्छ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसी क्रम में बेनापोल नगर में रामचंद्र खां नाम का एक वैष्णव धर्म द्रोही नास्तिक जमींदार रहता था। समाज में श्री हरिदास ठाकुर जैसे साधु का सुयश सुनाम उससे सहन नहीं होता था। वैष्णव अपराध के कारण उसकी ठाकुर के प्रति कुबुद्धि हो गई और वह उनमें दोषों को ढूंढने लगा। परंतु गुणों के भंडार श्री हरिदास ठाकुर में एक भी दोष उसे दिखाई नहीं देता था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब वह सफल नहीं हुआ, तब अंत में उसने वेश्याओं को बुलाकर श्री हरिदास ठाकुर को चरित्र से भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। हजूर को सलाम। आज आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत करे ये दासी? आज सेवा मेरी नहीं, एक ढोंगी का पर्दाफाश करना है। हम समझी नहीं हुजूर। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पाखंडी हरिदास के वैराग्य धर्म का नाश कर दो। आपका हुकुम हमारे सर आंखों पर हुजूर। हमारी प्यारी लक्ष्मी रानी अपनी सुंदरता के वशीभूत कर बड़े बड़े विरागियों का वैराग्य धर्म नष्ट किया है। वाह, क्यों लक्ष्य हीरा, क्या तुम ये कर पाओगी? अरे हुजूर, मैं केवल 3 ही दिनों में उस वैरागी हरिदास की मति का हरण कर लूंगी, उसके चित्त को चंचल बना दूंगी। मैं उसके चित्त को भजन से हटाकर अपनी ओर आसक्त कर दूंगी। बहुत खूब। मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा जो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़कर यहाँ ले आएगा। अरे हुजूर, पहले एक बार मेरे साथ उसका मिलन तो होने दो, दूसरी बार तुम्हारे आदमी को ले जाऊंगा। लक्ष्य हीरा, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं तुझे हीरे मोतियों से तोल दूंगा। अरे हुजूर, आप चिंता ही मत करो, अपना कार्य होता समझो। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, अब इस ढोंगी का पर्दाफाश मैं करूंगा। जो हुकुम हुजूर। रात्रि के समय वह वेश्या सुंदर ढंग से सज धज कर अत्यंत उल्लसित होकर श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर पर पहुंच गई। उस समय वे अपनी कुटी में भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। अरे ठाकुर, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको देखकर अपने मन को वश में कर सके? आपके रूप और यौवन को देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है ठाकुर। आपका संग करने के लिए मैं बहुत ललायित हूँ ठाकुर। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपसे संग किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती ठाकुर। हे देवी, मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, परंतु
अभी मेरी नियमित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। नाम संख्या पूर्ण न होने तक मैं अन्य कोई भी कार्य नहीं करता। ऐसे में मेरा प्राण धारण करना असंभव है ठाकुर। चिंता मत करो, जब तक मैं अपनी नाम संख्या पूर्ण ना कर लूं, तब तक तुम यही बैठकर नाम संकीर्तन करो। संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को भी पूर्ण करूंगा। हुजूर को सलाम। आहा, लक्ष्य हीरा, तुम आ गई। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। क्या शुभ सूचना लाई हो? क्या तुम उस ढोंगी का सर्वनाश करने में सक्षम रही? मुझे सब विस्तार से बताओ ना। अरे हुजूर, हरिदास ने वचन दिया है कि वो आज अवश्य ही मेरा संग करेगा। आज अवश्य ही उसका और मेरा मिलन होगा हुजूर। क्या बात है, मुझे उसी क्षण की प्रतीक्षा है। जल्दी जाओ लक्ष्य हीरा, जल्दी जाओ। जो हुकुम हुजूर। प्रत्येक युग अरे देवी, आप आ गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, कल मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। सारी रात आपको चुपचाप बैठकर जागना पड़ा, आप सो भी नहीं पाई। फिर मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण भी नहीं कर पाया, जिससे आपको बहुत ही कष्ट पहुँचा होगा। मैं ही आपके प्राप्त हुए उस कष्ट का कारण हूँ देवी, अतः आप मेरा अपराध ग्रहण मत करना। मैं आपको अवश्य ही अंगीकार करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तब तक आप यहाँ बैठकर हरि नाम संकीर्तन सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। चिंता मत करो, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने के साथ ही साथ तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अर्थात जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके तुम अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा कर रही हो, मैं उस धन संपत्ति को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत कर देने वाली चिंतामणि प्रदान करूँगा, जिससे तुम्हें कभी पुनः किसी के निकट कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वैष्णव दर्शन, तुलसी को प्रणाम, वैष्णवों को प्रणाम। शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारित श्री हरि नाम का श्रवण, चलकर वैष्णव की भजन स्थली में आना तथा कुछ समय वहां पर वास करने आदि के फल स्वरूप श्री हरि नाम उनकी जिह्वा पर स्फुरित होने लगे। परंतु आज भी धीरे धीरे सारी रात बीत गई। जब सुबह होने को आई तो वह वेश्या कुछ व्याकुल हो गई। हाँ, हरिदास मेरे साथ कहीं छल तो नहीं कर रहा? देवी, मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक दिन में
300,000 नाम जप रूपी यज्ञ का संकल्प लिया है, जो कि अब समाप्त होने ही वाला है। मेरा अनुमान था कि आज जल्द ही वह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त से ही नाम जप करता रहा, परंतु उसे पूर्ण ना कर सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल निश्चित रूप से मेरा नाम संकल्प पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वच्छंद रूप से तुम्हारा संग करूँगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मैंने एक दुष्ट कामुक तथा प्रतिष्ठा कामी व्यक्ति के कहने पर श्री हरिदास ठाकुर जैसे जितेंद्रिय भगवत नाम परायण साधु को जगतवासियों के समक्ष लज्जित करने की योजना बनाई। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ठाकुर, मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपको पतित करने की घृणित वासना लेकर आई थी। ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं बहुत पतित हूँ, मैं पशु से भी गई बीती हूँ। आप कृपा करके इस अदम का उद्धार कीजिए। रामचंद्र खान द्वारा रचाए गए षड्यंत्र का मुझे पहले से ही पता था। देवी, वह मूर्ख है, अज्ञ है, इसीलिए उसके इस कार्य से मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो पहले ही दिन इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता, परंतु केवल तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैं 3 दिन तक यहाँ रहा। हे महाशय, मेरे कर्तव्य के विषय में कृपा पूर्वक मुझे कुछ ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मुझे जन्म मरण के कलेश से ही छुटकारा मिल जाए। तुम अपना सब कुछ दान करके स्वयं इस कुटी में आकर के रहो। यहाँ पर रहकर निरंतर हरिनाम जप करना और तुलसी सेवा करना। ऐसा करने पर जल्द ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी और फलस्वरूप भव बंधन भी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। देवी, आप यहाँ आकर विराजे। ठाकुर, हरि नाम की क्या नियम है? माँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। परम करुणामय श्री हरि ने अपनी समस्त शक्तियाँ श्री नाम महाराज को प्रदान कर दी हैं और कलिमल ग्रसित जीवों पर दया करके नाम जप में कोई नियम देशकाल परिस्थिति का बंधन नहीं रखा है। माँ, उच्च स्वर से हरि नाम करो, सतत हरि नाम करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के आदेशानुसार किए गए शुद्ध नाम साधन के फल से कुछ ही समय में उसकी समस्त इंद्रियां वश में हो गई तथा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम स्थापित हो गया। वह एक परम महान वैष्णवी के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई तथा बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक वैश्या के ऐसे परिवर्तित चरित्र को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वे श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। कहां तो रामचंद्र खान ने
श्री हरिदास ठाकुर को अपमानित और कलंकित करने के लिए प्रयास किया था और कहां हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। वास्तव में जो लोग निष्कपट होकर भगवान का भजन करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री अद्वैताचार्य जी और श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन मिलकर श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करने लगे। श्री अद्वैत प्रभु ही इन्हें प्रतिदिन अपने घर प्रसाद भोजन कराते। श्राद्धों के दिन आए। श्री अद्वैत प्रभु के श्री पिताजी का श्राद्ध था। हरिदास जी, आज आप श्राद्ध पात्र का भोजन हमारे यहाँ कीजिए। नहीं नहीं आचार्य चरण, शांतिपुर में बड़े बड़े कुल के ब्राह्मण देव हैं, आप उन्हें पवाइए। आप उन्हें भोजन न करवाकर यूं मुझे आदर दे रहे हैं। आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय नहीं? कैसा भय हरिदास, अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि सेई से पूज्य सर्व शास्त्र कहे। आपके भोजन में मैं शत शत ब्राह्मणों का भोजन मानता हूँ। श्रीपाद, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे समस्त कुल की निंदा है। ये यवन हमारे स्थान पर हमारे साथ बैठ कर पाएगा, ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। विप्रगणों, उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण नाम भजे, कुलेतार की करीबे नर केते मजे। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी जो पुरुष श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसका उच्च कुल भी नरक जाने से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। आचार्य, हम आपके घर का भोजन करना अस्वीकार करते हैं। आप उच्च कुल ब्राह्मणों का अपमान कर श्राद्ध पात्र एक यवन को करा रहे हैं, इसका हम सभी पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। बाबा बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, हम लोग प्रसाद कब खाएंगे? जल्दी से भोजन सिद्ध करके लाओ, हमें बहुत भूख लग रही है। पर इस आंधी तूफान में अग्नि प्राप्त कैसे हो? अच्छा, मैं पड़ोस से पूछ कर आती हूँ। अरे भौजी, क्या तुम्हारे यहाँ अग्नि है? नहीं बहन, मैं भी तुम्हारे यहाँ आने वाली थी कि शायद थोड़ी अग्नि मिल जाए। अब हम क्या करें? शायद हमने जो अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति अपराध किया है, ये उसी का ही परिणाम है। चलो चलो, सब मिलकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। हाँ, चलो। श्रीपाद, हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी गलती का बोध है। पूरे शांतिपुर में कहीं भी अग्नि नहीं है, केवल श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में ही दीप प्रज्वलित हुआ दिख रहा है। हम क्षमा याचना करना चाहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन नीच कुले प्रभुर अज्ञाते। कर्मों के फलस्वरूप बद्ध जीव ऊंच नीच योनि में जन्म लेता है। ऊंच अथवा नीच जाति में उत्पन्न होना केवल जीवों के कर्म फल भोग का दर्शन मात्र कराने वाला ही है, किंतु परमार्थिक विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं। इसी परम सत्य को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगलमय इच्छा के अनुसार श्री हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए हैं। वह परम वैष्णव हैं, आपका मेरे प्रति कोई अपराध नहीं। आइए श्री हरिदास ठाकुर के पास चलते हैं।
हम आपकी महिमा को समझने में असमर्थ हो गए थे। जाति कुल में फंसी ये बुद्धि एक परम वैष्णव को पहचान न सकी प्रभु, पहचान न सकी। हे श्रेष्ठ गणों, मैं अति दीनहीन और पतित हूँ। वैष्णवों का एक भी गुण मुझ में नहीं। मैं तो वैष्णवों चिष्ट पर पलने वाला एक कुकुर मात्र हूँ। श्री हरि नाम के प्रताप से ही मैं जीवन धारण करे हूँ। आप सब तो ज्ञानवान हो, तपोवान हो, नाम महाराज में मेरी रति मति गति हो, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। फुलिया गांव में श्री हरिदास ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। यहाँ तक कि मार्ग में चलते समय भी उच्च स्वर से श्री हरिनाम करते हैं। यह वहाँ रहने वाले गुड़ाई काजी से सहन नहीं हुआ और वह बादशाह के पास उनकी शिकायत लेकर पहुँचा। हुजूर, एक व्यक्ति मुसलमान होकर भी हिंदुओं का सा आचरण करता है, अपना नाम हरिदास बतलाता है। मुसलमानों के आचरण के खिलाफ आचार और विचार है इसके, इसलिए आप जल्द से जल्द उसे यहाँ बुलवाइए और उसे सजा दीजिए, नहीं तो इसकी देखा देखी और भी मुसलमान काफिर हो जाएंगे। सिपाहियों, तुरंत जाओ और उस हरिदास को पकड़कर यहाँ लाओ। हरिदास, मैं जानना चाहता हूँ कि किस कारण से तुम्हारा पतन हुआ है। इस्लाम जैसे ऊंचे मजहब में पैदा होने के बाद हिंदू जैसी नीच जाति के निकृष्ट आचरण को स्वीकार करते हो। क्या कमी है इस्लाम में जो काफिर बन गए हो? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? क्या जहन्नुम का डर नहीं तुम्हें? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जाने अनजाने में तुमसे जो कुफ्र हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए कुरान पाक का कलमा पढ़ो, नबी के रास्ते पर चलकर तौबा करो तौबा। ओ विष्णु माया, सुनो बाप, सबका ईश्वर एक ही है। हिंदू यवन तो बस नाम मात्र के भेद हैं। एक ही परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। सच्चिदानंद घन अनादि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा पुराण कुरान सब मिलकर गाते हैं। कोई हिंदू यदि अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो क्या आप उसे दंड दोगे? बोलो बाप, क्या उसे दंड दोगे? लाहौल विलाकुत। हुजूर, आप इस नामकुल की बातों में ना आए। आप इसे हुक्म दीजिए कि हिंदुओं के भगवान का नाम लेना छोड़ दे, वो हराम है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम ले। यदि आपका कहा ना माने तो इसे सजा दीजिए, नहीं तो ये दुष्ट सबको अपने जैसा बना देगा। हरिदास, तुम इस्लाम अपना लो, बिना बात क्यों दंड भोगते हो, क्यों अपमानित होते हो? खंड खंड करी दे हो जदि जाए प्राण, तदपि आमी बदने न छाड़िबो हरि नाम, न छाड़िबो हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि इस शरीर के खंड खंड करके भी प्राण अलग कर दिए जाएं, तो भी कोई डर नहीं। बाप, मैं हरि नाम का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हरे कृष्णो 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करना है अब? हुजूर, नगर के 22 बाजारों में कोड़े मार मार के इसके प्राण निकाल दिए जाएं। ऐसा ही किया गया। मारते मारते एक बाजार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार दुष्ट इनको सब बाजारों में ले गए, किंतु श्री हरिदास ठाकुर के मुख से मात्र
कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ये देखकर सज्जनों के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हृदय फटे जा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने प्राण प्यारे श्री हरिदास की संपूर्ण पीड़ा को अपने श्री अंग पर ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हे करुणामय हरे, हे ठाकुर, तुम्हें पर जीव पर दया करो, तुम्हें इनका अपराध मत मानो, ठाकुर, इन्होंने तो मुझे अधम के संचित प्रारब्ध को काटने में मेरी सहायता की है, प्रभु, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो प्रभु, तुम्हें इनका अपराध ना मानो ठाकुर, ना मानो, हे करुणा मोय, हे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई इंसान जिंदा रह सकता है? इसके मुंह पर जरा भी दुख नहीं है, बल्कि मुस्कुराहट है, यह तो कोई जिंदा पिए जान पड़ता है। चक्रराज सुदर्शन, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए, हे प्रभो, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए, ये लीला पाप को मारने की नहीं, पाप की वृत्ति को नष्ट करने की है, हे प्रभो, हे करुणामय, अमा के दया करो, हे करुणामय, अमा के दया करो। दाऊ, तुम ही अपने स्वामी का आदेश पालन करो, मारो मारो, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे। हरिदास, इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले, ऐसा सुनकर काजी क्रोध से हमारे ही प्राण ले लेगा। दाऊ, यदि मेरे जीने से आपका मरण होगा तो लो, मैं अभी इसी क्षण मर जाता हूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामो, रामो रामो। इतना कहकर हरिदास जी श्री कृष्ण ध्यान में आविष्ट होकर अचेतन हो गए, प्राणों का आना जाना बंद हो गया। कर्मचारियों को निश्चय हो गया कि अब यह मर गए। उनके शरीर को बादशाह के दरबार में लाया गया। यह गुनेगार है, इसे दफन मत करो, जलाओ भी मत, ताकि हिंदुओं की गति भी इसे ना मिले। इसे नदी में फेंक दो, ताकि पड़ा पड़ा सड़ता रहे। हाँ सिपाहियों, ऐसा ही किया जाए। थोड़ी देर बाद हरिदास जी की प्रेम मूर्छा भंग हुई और वे गंगा तट पर आ गए। उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उन्हें जीवित देखकर लोगों के
आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हरिदास, आप सच्चे पीर हो, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, मैं आपको पहचान ना सका। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी सभी गलतियों को बख्श दें। अब कोई भी आपके भजन में विघ्न बाधा नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। हरिदास, मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से तुम्हें दंड मिला है, मुझे क्षमा कर दो हरिदास। करुणामय मंगलमय परमेश्वर आपका मंगल करें। बाप, मनुष्य की किसी को दंड देने की सामर्थ्य नहीं। मैंने अपने कानों से भगवान की निंदा सुनी, हरि नाम की निंदा सुनी। करुणामय परमेश्वर ने मुझ पर दया करके मुझे महारौरव नरक में नहीं धकेला, यही मुझे दंड का दान कर दिया। माई बाप, दुखी मत होइए, सबे तार कृपा, तार कृपा, तार कृपा, सबे तार कृपा। तुरा बोल रे हो रे बोल, तुरा बोल रे हो रे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथपुरी में राजमार्ग से दूर एकांत बगीचे में श्री हरिदास जी रहने लगे। वह अब अति वृद्ध हो चुके हैं। नित्य श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को प्रणाम करना और नाम जप करना, यही उनका नित्य क्रम है। श्रीमन महाप्रभु के अंग सेवी पार्षद श्री गोविंद प्रभु नित्य श्री हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लेकर आते हैं। जय जगन्नाथ। हरिदास, उठो, प्रसाद पालो। गोविंद प्रभु, आज प्रसाद पाने की सामर्थ्य नहीं, आज उपवास करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी नाम संख्या भी पूरी नहीं हुई है। प्रभु, आज हरिदास का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था, नाम जब भी मौन रूप से लेटे हुए कर रहे थे। अच्छा गोविंद, तो मैं अभी जाकर उनकी सुध लेता हूँ। जी प्रभु। हरिदास, स्वस्थ तो हो? प्रभु, शरीर तो स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं, क्योंकि अब वृद्धावस्था के कारण मैं नाम जप की संख्या पूरी ही नहीं कर पाता। तुम तो सिद्ध हो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार है और केवल लोक शिक्षा के लिए नित्य 300,000 नाम जप करते हो। अब वृद्ध हो गए हो तो अपनी संख्या कुछ कम कर दो। प्रभु, ऐसा मत कहो, मैं अति नीच अस्पर्शीय और अयोग्य हूँ। तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, जिसको जैसी इच्छा होती है वैसे नचाते हो, मुझे भी उसी प्रकार नचा रहे हो ना, मेरी इतनी प्रशंसा कर दुख क्यों देते हो प्रभु? प्रभु, मेरा एक निवेदन है, तुम लीला संवरण करोगे ये मैं जानता हूं, मुझे वर दो कि मुझे वो दिन देखना ना पड़े, मैं शीघ्र चला जाऊं। हरिदास, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? क्यों निर्दयता पूर्वक अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़ मेरा और कौन है? प्रभु, ऐसा कहकर मुझे भुलाओ नहीं,
कोटि कोटि महापुरुष तुम्हारी लीला के सहायक हैं। मेरे जैसे एक शुद्र कीट के मर जाने पर तुम्हारी क्या हानि होगी प्रभु। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समरथ है और हम मलमूत्र के कीरा। इस तुच्छ कीट की एक और कामना है प्रभु, तुम्हारे चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण कर तुम्हारा चंद्र वदन देखते देखते और तुम्हारा मधुर नाम लेते लेते मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूँ। जो सुख भीष्म पितामह को दिया था, क्या वो सुख इस अधम को नहीं दोगे ठाकुर? बोलो प्रभु बोलो, ये वर दे रहे हो ना? हरिदास, तुम जो भी इच्छा करोगे कृष्ण उसे पूर्ण किए बिना ना रह सकेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? प्रभु, आप कल प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस अधम को दर्शन देने की कृपा करें। हरिदास, क्या समाचार है? दास प्रस्तुत है। कहते कहते हरिदास जी ने आंगन में आकर प्रभु और भक्तों को प्रणाम किया। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिदास दुर्बलता के कारण खड़े नहीं रह सकते थे। प्रभु उन्हें यत्न पूर्वक भक्तों सहित बाहर लेकर आए और उनके चारों ओर नृत्य और नाम कीर्तन करना प्रारंभ किया। हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद हरिदास उन सबकी चरण धूलि लेकर अपने सर्वांग में मल रहे हैं। चरण धूलि लेकर हरिदास वहीं धीरे धीरे लेट गए। प्रभु से कहा अपने निकट आने को। प्रभु उनके निकट बैठ गए। हरिदास ने दोनों हाथों से उनके चरण कमल अपने हृदय पर स्थापित किए। प्रभु ने आपत्ति नहीं की। कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि वे वर दे चुके थे। प्रभु के चरण कमल हाथ से पकड़े हुए हरिदास ने अपने दोनों नेत्र प्रभु के मुख चंद्र पर अर्पित किए। मुख चंद्र की सुधा पान करते करते और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करते करते उन्होंने अपने प्राण विसर्जन किए। हा गौरांग
प्रभु की मनस्थिति इस समय अपूर्व है। अपूर्व हर्ष और अपूर्व विषाद के बीच उनका मन उद्वेलित हो रहा है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उसकी महिमा में वृद्धि देख उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा है। साथ ही जिस भक्त पर वे इतना गर्व करते थे, जिसके समुद्र स्नान के पश्चात नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते थे, उसके संग से सहसा वंचित हो जाने के कारण उनके दुख का भी अंत नहीं है। आनंद और विषाद के बीच प्रभु ने हरिदास के मृत शरीर को गोद में ले नृत्य आरंभ किया। ये देख कौन कह सकता है कि भगवान निर्गुण है, आत्मा राम है, आप्त काम है। उन्हें न किसी की माया है, न किसी का मोह। उनके ना कोई माता है, न पिता, न भाई, न बंधु। वे परम स्वतंत्र हैं, परम निरपेक्ष हैं। भक्त उनके माता पिता, भाई बंधु सब कुछ है। भक्तों को लेकर ही उनका लीला रंग और रसा स्वादन है। भक्तों को लेकर ही वे भगवान हैं। प्रत्येक भक्त को पाकर वे न जाने क्या पा लेते हैं। प्रत्येक भक्त को खोकर न जाने क्या खो देते हैं। भक्तों के प्रति उनका प्रेम अनंत है। यह नहीं कि अनंत कोटि भक्तों के प्रति उनका प्रेम बटा हुआ है। प्रत्येक भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। ऐसा न होता तो वे हरिदास के शव को लेकर गोद में नृत्य करते क्या? हरिदास ने उनसे कहा था कि उनके अनंत कोटि भक्त हैं। यदि उनका जैसा एक कीट चला जाए तो उनकी क्या हानि होगी? हरिदास को खोकर आज जो उनकी हानि हुई है, जो उनके प्राण में वेदना है, उसे उन्हें छोड़ और कौन जानता है। Hare
हरि बोल। इन आखिरी शब्दों में केवल एक ही निवेदन करना चाहती हूँ। आज जो दृश्य हम सभी ने अपने सामने देखा है, उसे अपने हृदय में बसा लीजिए। इससे प्रभु की भक्त वत्सलता का प्रमाण सदैव हम सबके हृदय में स्थापित हो जाएगा। और जब श्री ठाकुर की भक्तवत्सलता हमें स्मरण में रहेगी, तो बिना उद्यम से आंसुओं आँखों से अश्रु निपात होंगे और उन अश्रु निपातों से हृदय में भरे जितने भी कलमश हैं, विकार हैं, क्रोध है, द्वेष है, हरि नाम के प्रति जितने संदेह हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और जब ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो जैसे श्री ठाकुर जी के लिए श्री हरिदास जैसे एक प्यारे भक्त हुए हैं, वैसे ही हम भी श्री ठाकुर जी के प्यारे हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस जिसने इस निर्वाण लीला का दर्शन किया है, जिस जिसने इस निर्वाण लीला में नृत्य किया है, ऐसा कहा गया है जिस जिसने इस निर्वाण लीला में ठाकुर के दर्शन किए हैं, ये निश्चित है उसे किसी ना किसी रूप में श्री राधा रमण की प्राप्ति हुई ही हुई है। और आज मैं जानती हूँ यहाँ बैठे हर वैष्णव ने प्रत्यक्ष श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन किए हैं। मैं सत्य कहती हूँ, बहुत कुछ इस प्रस्तुति में वैसा हुआ जैसा हमने सोचा ना था। बहुत भाव ऐसे बाहर आए जैसे हमने योजना नहीं की थी, पर प्रत्यक्ष श्री हरिदास ठाकुर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा है जो हम सभी वैष्णव बालक इस प्रस्तुति को, इस भाव को, किस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर ने यवन कुल में होते हुए भी हरिनाम के लिए क्या क्या सहा है। श्री हरिदास ठाकुर इतने प्रभावशाली थे कि एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे आकर पूछा, हरिदास तुम बताओ, भक्तों का तो कल्याण निश्चित है, पर यवनों का कल्याण कैसे होगा? मैं उन पर भी कल्याण करने आया हूँ, कैसे उनका कल्याण होगा? तब श्री हरिदास ठाकुर अश्रु निपातन करते हुए कहते हैं, प्रभु जब भी यवन किसी के प्रति घृणा करते हैं तो उसे हराम कहते हैं, हराम हराम बोलते हैं, तो हराम ने जो ह है और हराम ने जो राम है वो काम कर जाएगा प्रभु। जैसे अजामिल को नारायण कहने पर ठाकुर की प्राप्ति हुई है, वैसे यवनों को भी हराम कहने में श्री राम श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। प्रभु आप चिंता ना करें, आप जो नाम स्थापित करने आए हैं उसका प्रभाव हराम कहने से भी इन यवनों को प्राप्त होगा प्रभु। ऐसा कह के प्रभु कुछ संतुष्ट हुए। फिर प्रभु ने जिज्ञासा करी कि जो पक्षी हैं, जानवर हैं, जो हरिनाम बोलने में जिनकी सामर्थ्य नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि प्रभु जब आप उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जब जब आप इस प्रकार से उच्च स्वर से संकीर्तन करते हुए जाते हैं तो जितने जानवर हैं जिनके कर्णों में आपका हरि नाम जाता है, जितने पक्षी हैं जो आपको नृत्य करते देखते हैं, केवल उनके कर्णों में उस नाम मात्र के प्रवेश से वो तर जाते हैं, केवल उस नाम मात्र की ध्वनि से उनके हृदय में हरि नाम स्फुरित होता है। इसीलिए तो वृत्ताचार्य ने भी अपने श्लोक में कहा है कि मुझे जानवर बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, पर कुछ भी बनाए, पर केवल इतना ध्यान करिएगा कि बनाएं तो किसी वैष्णव के घर का बनाएं जिससे कि सतत हरिनाम श्रवण करता रहूं। तो ऐसे हमारी ये परंपरा है, ऐसे हमारे श्री हरिदास ठाकुर है, ऐसी हमारे हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा है। आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के हृदय में ये नाम रूपी श्री ठाकुर जी जो हैं वो स्थापित हों। बहुत समय से हमारे पिताजी महाराज ने जो विभिन्न पीठों का निर्माण किया है उनके माध्यम से हरिनाम का सतत प्रचार हो रहा है, हरिनाम सतत उसकी स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब भी हर चीज़ के बिना रह पाएँ, हर कार्य के बिना रह पाएँ, हर संबंध के बिना रह पाएँ, पर नहीं रह पाएँ तो केवल हरि नाम के बिना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस युग का धर्म है हरिनाम करना और हम सभी सतत हरिनाम में ही रहें और ठाकुर की कुछ कभी ऐसी कृपा हो जाए कि हरिनाम करते करते हम स्वयं ही हरिनाम हो जाएं, ऐसी हमारी श्री राधा रमण देव जी के चरणों में प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करूंगी कि जितने भी पात्र इस प्रस्तुति में जिन्होंने खूब प्रयास किया, मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस प्रस्तुति को करने में। सर्वप्रथम ये प्रसादी है श्री वृंदावन धाम की, ये प्रसादी है श्री वृंदावन धाम के कार्तिक मास की परिक्रमा की, जिसमें महाराज श्री की ऐसी आज्ञा हुई कि हम सभी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर एक प्रस्तुति तैयार करें। पात्रता हम में से किसी की भी ना है, किसी का भी भजन इतना श्रेष्ठ ना है, किसी का भी भजन में इतना बल ना है कि नामाचार्य स्वयं भगवान जो नाम रूप में अवतरित हुए हैं उनके पात्र को निभाया जाए। पर ठाकुर जी कहते हैं आप संकल्प लो, प्रत्यक्ष हमारे सामने एक एक करके बालक उपस्थित होने लगे, अपने आप भूमिका बनने लगी, अपने आप सबने उत्साह आने लगा। फिर क्या था, फिर हम उठते भी हरिदास जी के भाव से थे, सोते भी हरिदास जी के भाव से थे, पाते भी हरिदास ठाकुर के भाव से थे। बस केवल हरिदास ठाकुर के पिछले जितने दिन से प्रस्तुति की तैयारी हो रही है, मैं सत्य कहती हूँ आप मानिएगा, हम में से किसी ने भी दीप दान नहीं किया, हम में से किसी ने भी परिक्रमा नहीं दी, हम में से किसी ने भी माला नहीं की, हम सतत हरिदास ठाकुर की माला में माला करते रहे, श्री लक्ष्य हीरा के दीप दान में अपने दीप दान को मानते रहे। खूब उद्यम करके इन बालकों ने इस प्रस्तुति की तैयारी करी। मैं आप सभी के श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप सभी स्टेज पर आएं और अपने दृश्य सौभाग्य, आपको देखने के इस सौभाग्य को सबको प्रदान करें। ऐसा सौभाग्य कुछ को मिलता है, मैं सत्य कहती हूँ आज ये अपने रूप में नहीं, श्री हरिदास ठाकुर और श्री महाप्रभु के स्वरूप में है। तो मैं नहीं चूकूंगी इन्हें प्रणाम करने से, आपका हृदय माने तो आप भी निश्चित इन्हें प्रणाम करिएगा। ये भाव होना किसी एक्ट की सामर्थ्य नहीं है,
कहां से प्रारंभ करूं? सर्वप्रथम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिस दिन इसकी भूमिका प्रारंभ हुई, हमने सहज ही जिज्ञासा करी कि क्या ये संभव है कि शौर किया जाए? बालकों ने कहा, माँ, अगर ये पात्र निभाने की हमें सामर्थ्य मिल जाएगी तो शौर तो बहुत छोटी बात है। एक क्षण नहीं लगा बालकों को अपने लंबे केश उठाकर हरिदास ठाकुर और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भाव में अवतरित होने में। अम्बरीश, एक एक के बारे में कहूंगी तो सत्य है मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। एक एक का उद्यम हरिदास ठाकुर, आज आप सब परिवार के हैं, एक सत्य बताती हूँ। एक रात पहले हरिदास ठाकुर की जो ये भूमिका है इसको हम स्थगित करने के भाव में थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने भाव में थे कि वो भाव प्रकट करने में उन्हें बहुत बहुत उद्यम था। पर एकदम से ऐसी कृपा हुई और संपूर्ण जितने भी पात्र हैं एक रात में सबने ऐसा भाव आया कि अगले दिन मुझे लगा ही नहीं कि कुछ तैयारी में कमी है। चाहे वो हरिदास ठाकुर हो, चाहे वो लक्ष्य हीरा हो, चाहे वो जो मुखिया हो, बालक हो, एक एक के बारे में मैं क्या बोलूं, आप सबने प्रत्यक्ष उसका दर्शन किया है। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि जो आज दृश्य आपने की देखा है, जिसके दर्शन आप सबने किए हैं, निश्चित रूप से उसे बटोर के अपने हृदय में ले जाइएगा। ये हमारे भजन की जो निष्ठा है, हमारे नाम में जो रुचि है, उसे दृढ़ करने में हमें बहुत सहायक होगा। आगे कुछ ज़्यादा न बोलते हुए, जब ये भूमिका तैयार हुई है, तब हम जब इस भूमिका को लिख रहे थे, इस प्रस्तुति को, तो ठाकुर जी ने अपने पार्षद स्वतः ही श्रीधाम भेजे उस समय के लिए जब इसकी प्रस्तुति तैयार होनी थी। मृणाल दास एक बैकबोन की तरह इस प्रस्तुति में खड़ा रहा, एक एक चीज से लेके एक एक छोटी से छोटे भाव, यहाँ तक कि अगर लक्ष्य हीरा के बिंदी है या उनके पगड़ी का मोर है, किस प्रकार एक एक छोटी बात में इतना उद्यम रहा। सभी बालक, शिवेंदु को तो आप सब जानते ही हैं, ऑलराउंडर हमारा बालक है, आपको कमरे देने में भी वही दिख रहा होगा, स्टॉल पर भी वही दिख रहा होगा, प्रस्तुति में भी हर रूप से हर तरह से सहयोग किया है बालक ने। एक क्षण नहीं लगता शिवेंदु ये चाहिए तो वो चीज़ प्रस्तुत ना हो। किस तरह ठाकुर जी की कृपा से सदैव गुरुदेव महाराज की सेवा में रहता है। गौरांगी, सखी, सबसे हमारी श्री तथ्या, आगे आओ तथ्या। हमें प्रस्तुति करने की अनुमति तभी मिली है कि हमारी श्री तथ्या अगर इस प्रस्तुति का हिस्सा बनेंगी। दिन रात हमसे ज़्यादा उत्साह हमारी बालिका को था इस प्रस्तुति का, तो खूब सहयोग इन दोनों ने भी हमारे संग किया। अद्वैत दास, क्या बताएं, ये हमारे पूरे आश्रम की व्यवस्था, एक बालिका अपनी छोटी जो अभी भी शायद हमारी कोई लाली है वो उसको देख रही है, एक वर्ष की बालिका को, दोनों माता पिता प्ले में प्रस्तुत होते हैं तो बालिका किसी और के भरोसे छोड़कर आते हैं, एक वर्ष की। ये निष्ठा है हरि नाम के प्रचार की, ये निष्ठा है हरि नाम को स्वीकारने की। हमारे मधु पंडित दास, आज रात्रि में ही निकलना है, सार्थक, नंदिनी, मंजू जी, हमारी
इनके बारे में मैं क्या बोलूं? हमने केवल कहा कि आप प्रस्तुति की ओर एक क्षण भी नहीं देखना, नहीं तो वहीं ढेर हो जाएंगी। ऐसा भाव उभड़ उभड़ के आता था कि ये देखने लगी और पर्दा ऊटपटांग होने लगा, तो हमने इनको बोला कि आप इधर देखें। इतना भाव, इतना भाव, मैं क्या कहूँ। हमारे बादशाह ठाकुर जी ने स्वयं सबका चयन करके एक एक पात्र को निखारा है स्वयं। मैं सत्य कहती हूँ, दो दिन पूर्व तक महाराज जी साक्षी हैं, हम बहुत अस्त व्यस्त थे, बहुत परेशान थे, पर ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हुई। पहले परीक्षा ली, इनकी हमने भी बहुत परीक्षा ली, पर फिर जब परीक्षा में सफल हुए तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, आप सबने साक्षात उसके दर्शन किए। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अगर मैं कुछ भूली हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं सबसे सबसे आखिरी में और महाराज श्री को धन्यवाद करने से पूर्व एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहूँगी जिनके बारे में मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ, पर मैं रुक कर उनको बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद नहीं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और वो है हमारे श्री हेमंत जी। हरिनाम के प्रति आपके उत्साह क्या है उससे पता चलता है कि जीवन में कृपा कितनी घटी है। जिस दिन श्रीधाम वृंदावन आए, महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी को जिससे सेवा लेनी होती है वो स्वयं व्यवस्था करते हैं कि वो ही सेवा प्रदान करे। सच बात तो ये है, जब प्रस्तुति प्रारंभ करी तो इसकी पूर्ण रिकॉर्डिंग किसी अन्य बालक ने करी है। उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग करी, 3 दिन तक लग के सब बच्चों ने अपने वॉइसेस दिए। उसके बाद एकदम से किसी कारणवश उस बालक को जाना पड़ा और वो पूरा प्ले अधर में रह गया, और जहाँ पर वो चले गए वहाँ से उन रिकॉर्डिंग्स को भी भेजना असंभव था। और ये तब की बात है जब हम सब गिरिराज जी में आ चुके थे इस प्रस्तुति से 4 दिन पूर्व। हेमंत जी आए, पूछा भाभी माँ रिकॉर्डिंग करें? मैंने कहा हेमंत जी इस बार तो रिकॉर्डिंग हमने किसी अन्य से कराई है, पर अगली बार निश्चित हम व्यवस्था करके आपसे ही कराएंगे। तो कोई बात नहीं भाभी माँ, मैं किसी भी सेवा में आपको प्रयोग आऊँ आप बस मुझे वहीं पाइएगा। मैंने कहा निश्चित। एक दिन बाद फ़ोन आता है कि वो रिकॉर्डिंग्स नहीं प्राप्त होगी। मैं सच कहती हूँ 3 दिन से हेमंत जी सोए नहीं हैं, 3 दिन से वो एक क्षण भी इस पंडाल से दूर नहीं गए हैं। मृणाल ने और हेमंत जी ने मिलके दिन रात रिकॉर्डिंग के म्यूज़िक को डालकर उसमें एक एक बारीकी को डालकर इसको प्रस्तुत किया है। जितने आपने जो 50 मिनट में दर्शन किए हैं उसे प्रस्तुत करने में 15 दिन इन बालकों को लगे हैं। इस प्रस्तुति को जो श्रवण आपने किया है, दिन रात हेमंत जी ने बैठ के उसको तैयार किया है। तो हेमंत जी सत्य कहते हैं श्री राधा रमण देव जी को ये सेवा आपसे ही स्वीकार करनी थी, इसीलिए ऐसी व्यवस्था रचाई कि जो वो अन्य बालक थे उनकी उनसे वो रिकॉर्डिंग लुप्त हो गई, गायब हो गई, और पुनः शुरू से हेमंत जी ने रिकॉर्डिंग करी और श्री हरिदास ठाकुर जी ने इनकी उस सेवा को सहर्ष स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत आभार, आप सबके श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सबको उद्यम कराया, 15 दिन दिन रात। हरिदास ठाकुर ने पिछले 4 दिन से कुछ पायो ना है, केवल दुग्ध पर ही है ताकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उठा सके। हरिदास ठाकुर कुछ ग्रहण नहीं कर रहे सच में पिछले 4 दिनों से। और जब मैंने कहा कि अब तुम कुछ थोड़ा पालो, कहते हैं माँ अब तो प्रस्तुति करके महाराज जी के हाथ से ही पाऊंगा। ऐसा भाव, ऐसी प्रस्तुति कर भी वो ही सकता है जिसके हृदय में इतनी निष्ठा हो। इस पात्र को निभाना
कोई सहज बात नहीं है। जो दर्शन आपने किए ये अलौकिक हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ दर्शन हैं। इसीलिए अपनी वाणी को विश्राम करने से पूर्व पुनः आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस दृश्य को अपने हृदय में निश्चित ले जाइएगा। ये आपके भजन को प्रगाढ़ करने में आपकी बहुत बहुत सहायता करेगा। श्री राधा रमण लाल की जय। मैं तो बस एक बात कहूंगा कि सोलह फरवरी 2014 में मैंने बहुत बड़ा अच्छा जबरदस्त निर्णय लिया था। हरिनाम संकीर्तन के साथ, वैसे अब इसी को अपने हृदय में होने दो, तो आप मौन भाव से प्रणाम करके और प्रसाद की तरफ अग्रसर हों। इन सब के उद्यम का कोई साकी नहीं है और उन सब के उद्यम का कोई साकी नहीं है और निश्चित ये विषय कृपा से ही संभव हो सकता है। सच बात कहूं तो एक और भीतरी बात कि यहां बहुतों को डांट भी पड़ती थी, प्रेम स्नेह भी होता था, अधिकार है, सबने इस भाव को मंचित किया। यहां आने से पैरव और यहां जाने के पश्चात ये बैठी बैठी माला ली बैठी रहती थी और निश्चित रूप से ये नामाचार्य की प्रस्तुति अभ्यास से नहीं हो सकती, नामाचार्य की प्रस्तुति श्री नाम की ही कृपा से हो सकती। वो भजन आज काम में आया, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं उसको कुछ ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहता। आपने अद्वितीय आज, सच कहूँ
तो मुझे जो मैंने 14 वर्ष गिरिराज्य में कथा की है, आज उसका मुझे फल मिला है। हा रमण लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय। दोनों गुरु महाराज को श्री चरणों में प्रणाम, माँ और फिर दूसरी माँ को भी प्रणाम, आरुषि की तरह से तीसरी माँ, तीन तीन माँ मेरे पास बैठी है महाराज, दो दो पिता बैठे हैं सब, इतना मेरी बहन भी बैठी है, जय माता भी बैठी हैं सब, वैष्णव परिकर वो सेलेक्टेड है जो। और मैं एक बात कहूँ, इसने करके अपनी भूमिका निभाई, उसने कुछ न करके अपनी भूमिका निभाई। मैं तो चैतन्य के पास बैठकर चैतन्य की लीला देख रहा था। हरे कृष्ण